हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं रूबरू और आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज जिस वुमेन एंटरप्रेन्योर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने सेल्स एंड मार्केटिंग के शाइनिंग करियर को छोड़कर कुछ नया और क्वालिटेटिव करने की ठानी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्वेता जय गुप्ता की, जो फाउंडर एंड प्रमोटर हैं स्पा हिबिस्कस की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। श्वेता, वेलकम टू आवर शो। श्वेता, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बेसिकली आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड रुड़की। सो माय डैड वाज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की। सो फॉर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ माय लाइफ टिल माय स्कूलिंग मैं रुड़की में ही थी। एक कॉन्वेंट सेंट एंस करके, वहाँ से मैंने स्कूलिंग करा। मैंने BSc किया। आई वाज इन द लास्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, वी मूव टू दिल्ली। सो आई डिड देन माय MBA फ्रॉम दिल्ली एंड आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली। सो 95 से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। कितने साल की नौकरी आपने की? मेरा ज़्यादातर टाइम जो है वो होटल्स में ही किया। सो मैंने अपना करियर का शुरुआत ताज से किया। सो आई हैड टू डू माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आई टुक अ ब्रेक एंड डिड अ फुल टाइम MBA एंड जॉइन द ताज बैक। सो आई वाज दिस टाइम आई वाज विद देम फॉर अबाउट 5 years स्ट्रेट। वेल फाइनली आई मूव टू बैंकर, विच वॉज अ वेरी बिग बिजनेस फॉर अवीवा। And then 2008, I had my second, 2007 is when I had my second child. And I decided बस बहुत हो गया, so I did. How this spa hibiscus idea came to your mind? Why spa? I wanted to set up something which would, you know, eventually carry on. So then we did a little survey and we found out that the two industries which were kind of, you know, booming was education and healthcare. Then we did a research and we said ये जो हमारा model है, it's basically gym, salon and spa together. So it's like a complete wellness solutions under one roof. So that is how the concept was kind of challenge क्या था? दिक्कत जो था वो बस एक mental block ही था कि you know that fear that what if succeed नहीं करेगा तो. But I am somebody who's slightly कि ठीक है, I'm not so averse to taking risk. ठीक है, आई मीन यू नो विल गिव इट अ शॉट एंड अच्छा करेंगे काम। एंड अगर आप कोई भी काम अच्छा करते हैं तो चांसेस आर दैट यू विल सक्सीड। व्हाट मेक्स योर स्पा हिबिस्कस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? सो आई थिंक व्हाट एक्चुअली मेक्स अस स्टैंड आउट इज वी गिव अ वेरी हाई इम्पोर्टेंस ऑन सर्विस डिलीवरी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सो हमारे SOPs काफ़ी सेट हैं। अगर आप हमारे किसी भी स्पा में जाते हैं, जैसे जो डे स्पाज हैं हमारे, तो आपको उसका लुक एंड फील सिमिलर लगता है। डजंट मैटर आपने यहाँ एक फेशियल कराया या किसी और से कराया, यहीं पर ही किसी भी एस्थेटिशियन से कराया या कहीं और सेंटर में कराया, तो आपको एक सिमिलैरिटी मिलेगी। एंड यू नो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट हमने यहाँ पर चीज़ें करी हैं। जैसे बहुत इंडस्ट्रीज़ में यूजुअली आपके जो स्टाफ होता है उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, कमीशन्स मिलते हैं, हम नहीं करते। बिकॉज कई बार क्या होता है, जब उनको पता है कि उनको कमीशन्स मिलेंगे तो कई बार वो आपको वो चीज़ बेच जाते हैं जो कि आपको ज़रूरत नहीं है। आपने एक शुरुआत तो कर ली कि ठीक है मैं नौकरी नहीं करना चाहती, लेकिन ये एक्सपेंशन और इतनी अच्छी अच्छी जगहों पर आपको काम मिला है, अच्छे होटल्स के साथ टाई अप किया, ये सब कैसे हो पाया? एक्चुअली अगर आप क्वालिटी डिलीवर करते हैं तो लोग आपको चांस देना, यू नो दे वांट टू हियर अबाउट, दे वुड गिव यू अ चांस। आपके जो एक्सपीरियंस रहा सेल्स और मार्केटिंग का, डू यू थिंक उसका भी काफ़ी फ़ायदा मिला? कोई भी एक्सपीरियंस गलत नहीं होता है आपके लिए। आई थिंक कहीं ना कहीं वो हमेशा काम आता है। बट होटल्स पर से हेल्प मी बिकॉज यू नो आई वर्क फॉर रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन होटल, सो यू हैव योर कनेक्शंस इन प्लेस। आई बिलीव दैट यू नो धीरे करना ज़्यादा अच्छा है और क्वालिटी काम करे, रादर देन सडनली आप एक्सपैंड करें एंड आपसे संभले नहीं एंड आपके सेंटर्स क्लोज हो जाएँ। सो टच वुड, लकीली फॉर अस यू नो नॉट अ सिंगल ऑफ आर सेंटर हैज़ क्लोज डाउन एंड ऑल आर सेंटर्स आर डूइंग रीजनेबली वेल। कुछ ऐसे मोमेंट्स हमें बताइए जब आप यू वर यू नो जगलिंग विद लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड यू वर फीलिंग गॉश इट्स वेरी टफ। अगर आप कभी ह्यूमन इंडस्ट्री में हैं, मतलब सर्विस इंडस्ट्री में हैं जिसपे आप मशीन्स से नहीं ह्यूमन्स पर रिलाई कर रहे हैं सर्विस डिलीवरी के लिए, आपसे गलतियाँ होंगी, डेफिनेटली होंगी। अगर नहीं होती तो आप भगवान होते नहीं। सो आई मीन इवन द बेस्ट ऑफ पीपल विल मेक मिस्टेक्स, वी मेक मिस्टेक्स,
But we try very hard to not make mistakes. And we definitely try hard to not make the same mistake again. So, because that's unacceptable. आप हर बार कोई नई गलती करो, पुरानी गलती करना. Don't repeat it because that means कि या तो आप training नहीं ठीक से आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप careless हैं. और इस industry में carelessness doesn't work at all because I'm not selling clothes or anything. You know, I'm actually treating a person's skin and hair, so I can't mess around with that. आपके वो five जिसे हम कह सकते हैं मूल मंत्र काम करने का, when you enter your office you have to follow this, क्या है वो? The first thing is that you should have a smile on your face, because you know the moment you meet a customer with a grumpy face, उसका मन ही नहीं करेगा आपसे कुछ भी बोलने का या काम कराने का. Second thing is cleanliness and hygiene, because there's no substitute for cleanliness and hygiene. The third thing is that you must listen. Fourth is eye for detail. आपको छोटी चीजों से फर्क पड़ना चाहिए. So you should be able to get that little detail, you know. And most important is, I think, the genuine interest in a client, that I should be able to, I'm interested and I genuinely want to do a good job, that attitude. So वो बड़ा important है. आपने academy भी शुरू कर दिया है, tell me about that. अगर आपको standardization चाहिए, जो कि हमें बहुत ज़रूरी चाहिए था, because we were making a brand, तो आपको अपना अकेडमी खोलना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी तक भी हम फ्रेशर्स नहीं लेते हैं, या बहुत कम फ्रेशर्स लेते हैं हम. इसके अलावा आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, हाउ दिस आइडिया केम टू यू? एक्चुअली हम नहीं बनाते हैं अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हम बनवाते हैं किसी से अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सो वी एक्चुअली डू थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग. श्वेता जय गुप्ता से बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन आइए तब तक देखते हैं स्पा हिबिस्कस का प्रोफाइल. भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते. कभी हम अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं तो स्किन केयर पीछे छूट जाता है, और कभी स्किन पर ध्यान देते हैं तो अपने लुक्स पर ध्यान नहीं दे पाते. लेकिन जरा सोचिए कि आपके व्यक्तित्व को निखारने का नुस्खा एक ही जगह मुहैया हो जाए तो कैसा हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पा हिबिस्कस की, जहाँ आपकी खूबसूरती को न सिर्फ बाहरी तौर पर संवारा जाता है बल्कि इंटरनल ब्यूटी को भी निखारा जाता है, जिससे आप महसूस करते हैं अपने आप को हमेशा तरोताज़ा. यहाँ स्पा के साथ साथ जिम भी है, जहाँ आप रोज़ वर्कआउट करके अपने आप को फिट रख सकते हैं. इसके अलावा सैलून भी है, जहाँ आप अपने हेयर स्टाइल से लेकर हर ब्यूटी सर्विस का आनंद उठा सकते हैं, ताकि आप फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एहसास के साथ खुद को रिलैक्स महसूस कर सके. स्पा हिबिस्कस की खासियत ये है कि यहाँ कस्टमर्स के लिए जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है वो पूरी तरह से नेचुरल होता है. हाइजीन को भी यहाँ खास तौर पर तवज्जो दी जाती है, और जो चीज़ आपकी थकान मिनटों में दूर कर देगी वो है यहाँ का एग्जॉटिक माहौल. ब्यूटी के क्षेत्र में स्पा अपने आप में सबसे एक्सक्लूसिव और डिमांडिंग सर्विस मानी जाती है, जिसका अभी तक कुछ खास वर्ग ही इस्तेमाल करता था, लेकिन अब इसे खास से आम तक पहुंचाने का काम किया है स्पा हिबिस्कस की फाउंडर श्वेता जय गुप्ता ने. श्वेता को शुरू से ही अपने पैरों पर खड़े होने की ललक थी, जिसके चलते श्वेता ने रुड़की से अपनी स्कूली पढ़ाई के बाद दिल्ली का रुख किया, और यहां से उन्होंने कॉलेज के साथ साथ बहुत ही कम उम्र में ताज जैसे फाइव स्टार होटल में बतौर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने अपने MBA की डिग्री ली और अविवा इंश्योरेंस में रीजनल हेड का पद संभाला. करियर की ऊंचाइयों के साथ श्वेता अब माँ भी बन चुकी थी, इसलिए कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का एहसास भी होने लगा था. श्वेता कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वो परिवार को समय भी दे सके और उनके व्यक्तित्व को एक नया आयाम भी मिले, और यही से शुरू हुई एंटरप्रेन्योर बनने की एक सोच. आज स्पा हिबिस्कस की दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, राजस्थान और गोवा में 10 से भी ज्यादा सेंटर्स चल रहे हैं. यही नहीं, हिबिस्कस अकेडमी हजारों लोगों को ब्यूटी और स्किन केयर में ट्रेनिंग भी दे रहा है. बहुत ही कम समय में स्पा हिबिस्कस ने कामयाबी की इबारत लिख दी, जिसके लिए इन्हें कई अवार्ड्स जैसे बेस्ट डे स्पा अवार्ड और बेस्ट इंटीग्रेटेड जिम स्पा एंड सलून ब्रांड इन दिल्ली NCR से नवाजा गया. श्वेता की मेहनत और जज्बा
समाज की कई महिलाओं के लिए किसी सीख से कम नहीं। श्वेता के साथ हम स्पा हिबिस्कस को और करीब से जानेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रूबरू। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूबरू और हमारी आज की खास मेहमान हैं श्वेता जय गुप्ता, जो कि फाउंडर और प्रमोटर हैं स्पा हिबिस्कस की। हम पहुंच चुके हैं उनके स्पा में, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि स्पा हिबिस्कस को क्या खास बनाता है और किस तरह से ये सर्विस देते हैं। श्वेता, हम किस ब्रांच में हैं? अभी हम क्लब फ्लोरेंस की ब्रांच में हैं, जो गुड़गांव सेक्टर 56 में है। हमारे करीब 9 ब्रांचेस हैं अभी, सो उसमें 3 बड़े डे स्पास हैं। सो वी हैव गुड़गांव का, ये हमारा लेटेस्ट डे स्पा है जो कि क्लब के अंदर है, और फिर हमारा दिल्ली में मयूर विहार वसंत कुंज में और डे स्पास हैं, और फिर हमारे होटल स्पास हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि लोग यहाँ पर कैसे रेजुविनेट होते हैं, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी ये बहुत पसंद आएगा। चलें। सो दिस इज़ द लेडीज़ लॉकर एरिया। सो जो हमारे जिम के मेम्बर्स हैं वो यहाँ पर लॉकर फैसिलिटी है, प्लस शावर फैसिलिटी है। सो दिस हैज़ चेंजिंग रूम्स, शावर रूम्स, स्टीम है, सोना है, एंड मसाज रूम्स भी हैं यहाँ पे। सो वी हैव 3 रूम्स ऑन दिस फ्लोर। किन चीज़ों का आपने ख्याल रखा इसके इंटीरियर को करते वक्त? सोना इज अ सोना है, इतना कुछ ज़्यादा इसका इंटीरियर्स नहीं होता है, बट दिस इज़ अ नाइस बिग सोना। The steam room is nice, big and spacious. And steam room में सबसे ज़्यादा ख्याल आपको सफाई का रखना होता है, because वो damp होता है, तो उसमें fungal वगैरह, you know. So it's a nice sunny room. The view is very beautiful. Although जब आप मसाज कर रहे होंगे तो ये तो बंद है, but you know pre and post it's really beautiful. And जब ये बंद हो जाता है तो then this you have a very nice light emanating out of the jali, and this is actually you will find this in all our rooms. So the rooms are standardized, like ये जो jali है spa hibiscus में अगर आप हैं तो आपको हर जगह एक jali backlit मिलेगी, so it gives a very nice soothing feeling. बगल में ही couple room भी है? The woman can enter from here. Wow, that's beautiful. ये couples के लिए है? ये couples के लिए है. We thought that it's a very good room for a couple massage room, because you know इसकी दोनों तरफ से entrance है, from the male changing area as well as the female changing area. So we used it as a couple massage room, and it's quite a hit with people. महिलाएं तो मसाज बहुत पसंद करती हैं कि स्किन अच्छी होगी और सफल हो जाएंगे, लेकिन मेल अगर जेंट्स की बात करें तो पुरुषों को क्यों इतना पसंद है? Everybody enjoys it because everybody enjoys relaxation. And that is what it really does for them. So men like it, women like it, children like it, because they feel rejuvenated, they feel relaxed. So चलिए हम कुछ और भी देखते हैं स्पा हिबिस्कस में, कैसे लोग खुद को खूबसूरत बनाते हैं। क्या क्या ब्यूटी ट्रीटमेंट्स आप देते हैं, इंक्लूडिंग हेयर? वी डू एवरीथिंग, वी आर अ फुल सर्विस लॉरियल सैलून। सो हम लोग लॉरियल के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और हेयर में सब कुछ करते हैं हम, कलर, हेयर टेक्सचरिंग, आपका हेयर कट, सब कुछ, एवरीथिंग रिलेटेड टू हेयर, एवरीथिंग रिलेटेड टू स्किन, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स मेडी स्पा, जैसे लेजर्स, बोटॉक्स, ये सब नहीं करते हैं हम। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें कि अपने स्पा चुनने से पहले या पार्लर चुनने से पहले, प्रोडक्ट्स यूज़ करने से पहले किन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है दैट यू नो, वन इज़ यू शुड बी रेगुलर इन वॉट एवर यूर डूइंग। सो एंड अ लॉट ऑफ टाइम हम लोग जो हैं यू नो इस इंडस्ट्री में बहुत एजुकेटेड वुमेन भी, दे डोंट रियली नो कि क्या यूज़ करना चाहिए। एक्सपर्टीज कितना इम्पॉर्टेंट है अच्छे मसाज के लिए? बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर किसी का अपना एक टच होता है, आप उनको स्ट्रोक्स सिखा सकते हैं, लेकिन आप उनको यू नो एवरीबडी हैज़ देयर ओन केयरिंग और डिफरेंट टच, वो नहीं आप सिखा सकते, वो बिल्ट इन बॉर्न होता है। सो ये हमारा जिम है, अभी दोपहर का वक्त है तो दोपहर में जिम भरा नहीं होता है, बट सुबह 6 से करीब 10:30 तक, एंड अगेन शाम को 6 से 10 बजे तक इट्स पैक्ड।
तो ये हमारा कार्डियो सेक्शन है, ट्रेडमिल्स, स्टेपर्स एंड बाइक्स। कुछ हमें फिटनेस के बारे में भी बताइए कि जिम में अगर आप आते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सी, जिम बेसिकली इज़ फॉर ओवरऑल फिटनेस, बट जिम आपका गोल हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। सो जिमिंग में आपका गोल स्लिमिंग हो सकता है, आपका गोल ओवरऑल फिटनेस हो सकता है, बॉडी बिल्डिंग हो सकता है यंग बॉयज़ के लिए। सो इट डिपेंड्स व्हाट योर गोल इज़, बट टुडे आई थिंक मोस्ट पीपल जो जिम करते हैं वो ओवरऑल फिटनेस के लिए ही यूज़ करते हैं। स्पा और जिम, ये कॉम्बिनेशन जो है ये लोगों को कितना कंफर्टेबल लगता है, कितना पसंद आता है? अगर आप आफ्टर अ रियली गुड वर्कआउट, if when your body is hurting slightly, because you know you can have a really nice massage, or after a 1 week of a good workout, you know, you can have a good massage, then your muscles feel, they're toned much more and you feel very relaxed. किस तरह से आप सोचती हैं अपनी सोसाइटी को लेकर और क्या चाह है आपकी कुछ करने के लिए? See, we're in the wellness industry, it's about making a difference. Our tagline is making a beautiful difference. So it's not just about making a beautiful difference to your life. If I can make a beautiful difference to wherever we are, I think that's really what we're all about. जैसे बहुत सारी जगह हम लोग क्या करते हैं, जहाँ हम होते हैं, हम आसपास के parks जो हैं वो ले लेते हैं, and we maintain those parks so that you know that beautification, people can use those parks for walking, and we take that. So these are small CSR activities that we do. We are here in the service industry to serve people, make a beautiful difference in their life, and obviously businesses are profitable, but if we can do something small, not very big, because bade to hum nahi hai bahut zyada, but agar hum chote chote efforts kar sakte hai to just you know, we only have one earth again na. बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ स्पा हिबिस्कस को देख के नज़दीकी से, और श्वेता के बारे में उनकी जो पर्सनालिटी है उसको हमने और करीब से जाना और समझा। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि फिर हम मौजूद होंगे उनके परिवार के साथ, जानेंगे श्वेता पर्सनली कैसी हैं, क्या क्या उनकी पसंद है, नापसंद है, ये सब कुछ हमारे अगले सेगमेंट में। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूबरू, और हमारे सेगमेंट में हम पहुंच गए हैं श्वेता जय गुप्ता के घर पर उनके पूरे परिवार से मुलाकात करने। आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो में। श्वेता, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए अपनी फैमिली से। इट्स माय हस्बैंड रोहित, माय डॉटर यशस्विनी, माय सन शौर्य, माय मदर इन लॉ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम बातचीत को शुरू करते हैं, आपकी सास से ही बातचीत शुरू करते हैं। मैम, बताइए आप कि श्वेता जी की खासियत, अब एक बिजनेस वूमन के तौर पर तो है ही, लेकिन घर में किस तरह की हैं वो, जो उनका घरेलू रूप है वो किस तरह का है? हाँ, मेरी बहू जो है बहुत एक्टिव है, बहुत काम करने वाली है, मेहनती है, सुबह शाम घर पर काम करके तब अपने स्पा आ जाती है। ये मुझे लगता है रोहित आपकी अरेंज मैरिज है जी? हाँ जी। तो मैम थोड़ा सा पीछे चलें, बताएंगे आप कैसे बहू को चुना आपने? क्या कहानी है रोहित, बताएंगे हमें जी? रोहित आप बताइए। चुनने का तो कोई सवाल, मौका मिला नहीं। और इट इज एन अरेंज मैरिज, एंड आई वेंट एंड यू नो मेट हर इन आवर हाउस एंड आई लाइक्ड हर, सो वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। जी, तो श्वेता आपका कितने समय बीत चुके हैं आपकी शादी को? विल कंप्लीट 15 इयर्स दिस अप्रैल। ओके, तो बिजनेस शुरू करने का जब आइडिया आपके दिमाग में आया कि अब घर को ज़्यादा समय देना है लेकिन कुछ करते भी रहना है, तो किस तरह से आपने परिवार से अपनी सोच को शेयर किया? When I decided to do the business, he was all obviously very supportive, जी, and he still is. So that is what really counts. And एक business को खड़ा करना वो बिल्कुल same आपके अंदर abilities होनी चाहिए जो एक male entrepreneur में होती हैं। तो क्या support आपने इनको दिया इस business को खड़ा करने में? मेरे ख्याल से मेरा support तो moral support ही था, and initially you know a bit of financial support. That was all, you know, the support which I gave it. But
you know, I think she has done. Ma'am, जो पहला spa जब इन्होंने खोला और inauguration हुआ तो क्या आप लोग मौजूद थे उस वक्त, क्या महसूस किया? हम लोग भी थे, मैंने ही ribbon काटा उसका. तो क्या reaction था पूरी family का, श्वेता आप बताइए. It was nice. Everybody was excited. मुझे नहीं लगता किसी ने भी oppose किया था, चाहे मेरी मेरे parents हों या रोहित हो या रोहित के पेरेंट्स, किसी ने भी अपोज नहीं किया. एंड इवन नाउ आई मीन यू नो आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड फैमिली एंड दे आर ऑलवेज सपोर्टिव इन वॉट एवर वी डू. बच्चों के साथ मैनेज करना वो कितना चैलेंजिंग रहता है? लाइक आई सेड यू नो आई एम वेरी ब्लेस्ड बिकॉज बच्चे मेरी एक जो फैमिली है, मेरे इन लॉज भी मेरे साथ रहते हैं जी एंड मेरे पेरेंट्स भी ऊपर ही एक इसी घर में ऊपर उनका एक सेपरेट यूनिट है. तो बच्चों के पास दादा दादी नाना नानी हैं तो आई डोंट थिंक दे मिस मी सो मच. बचपने में अगर हम चले तो स्कूल डेज में आप कैसी थी? आई लिव्ड इन अ वेरी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट एंड बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं थे तो और काफ़ी जब मैं छोटी थी तो हम लोग बाहर चले गए थे. माई डैड वेंट टू डू हिज PhD इन लंदन. तो मैं बहुत ज़्यादा शैतान नहीं थी. मुझे लगता है मैं अब ज़्यादा शैतान. श्वेता में क्या अलग चीज़ है जो आपको लगता है कि ये उनकी ताकत है? मेरे ख्याल से शी इज़ अ वेरी वेरी डिटरमिंड पर्सन. सो एक दफ़े जो ठान लेती है वो कर लेती है. तो मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी. रोहित आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए. IT एरिया में काम करता हूँ, आई मीन सेल्स. आपकी मदर इन लॉ से पूछते हैं कि ये दुनिया को खूबसूरत बनाती हैं, उन्हें स्ट्रेस फ्री करती हैं, खुद कितना ध्यान देती हैं अपने ऊपर? अपने ऊपर ध्यान कम दे पाती है क्योंकि घर में कुछ काम करती है, बच्चों के साथ है, फिर इस पर भी संभालती है अपना सारा जी. फिर कभी कहीं जाना होता है फंक्शन में तब कभी ध्यान देती है अपने ऊपर, अदरवाइज नहीं, अदर कम ही दे पाती है. श्वेता क्या कहेंगे आप इस बारे में? सारे लोग सोचते हैं इनका तो स्पा है, ये तो कितनी ब्यूटी कॉन्शियस होंगी, केयर कॉन्शियस होंगी, क्यों नहीं कर पाते हैं आप? बिकॉज आई एम बिजी इन मेकिंग अदर पीपल ब्यूटीफुल, सो वेयर इज द टाइम. यशस्विनी क्या कर रही हैं आप, कहाँ पढ़ाई कर रही हैं अभी? आई मीन आई स्टडी इन स्टेप बाई स्टेप स्कूल, इट्स इन नोएडा. आई एम गोना गो इनटू 7th. गुड. एंड व्हाट आर योर हॉबीज? एंड रीड and read and read and read and read. So she's very studious, right? Yeah. मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी हॉबीज़ क्या है, कुछ फुर्सत के पल आप कैसे बिताती हैं? मेरे पास ऑनेस्टली तो होते ही नहीं है फुर्सत के पल, लेकिन अगर कभी होंगे फुर्सत के पल देन आई वुड लाइक टू ऑब्वियसली स्पेंड इट विद ऑल ऑफ देम एंड आई वुड रीड, आई वुड लिसन टू म्यूजिक, बट आई वुड रीड, आई लाइक रीडिंग अ लॉट. फैमिली क्वालिटी टाइम रोहित आप लोग कैसे बिताते हैं, घूमने जाना, ये आउटिंग, ये सब कितना एंजॉय कर पाते हैं? काफ़ी कम होता है लेकिन जब होता है तो यस इट इज़ डेफिनेटली अ फन. याशी रिसेंटली आप लोग कहाँ गए थे, कितनी मस्ती करी? वी वेंट टू ऋषिकेश आई थिंक जस्ट अ फ्यू डेज अगो एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन. एंजॉय किया आपने? यस वी एंजॉयड इट अ लॉट. इनकी कामयाबी आपके लिए कितनी प्यारी है, कितनी अहम है? बहुत अहम है. और अगर मैं कहूं कि जो लोग जो भी हम लोगों ने किया है वो करीब करीब आधा आधा ही किया है, तो जितना जितनी अहम मेरी सक्सेस है उतनी अहम इनकी सक्सेस है. सो दैट्स व्हाट आई थिंक यू नो इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. थैंक यू. ब्यूटीफुल. हम बिल्कुल अब आखिर में आपसे यही चाहेंगे कि जो यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कुछ करना चाहती हैं, घरेलू होते हुए भी एक दिल में चाह है कि कुछ हम भी शुरू करें, कुछ करें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वंस यू डिसाइड टू डू समथिंग आई थिंक यू शुड गो आउट एंड डू इट विद अटमोस्ट ऑनेस्टी. और जो भी करें अच्छा करें, बिकॉज अगर आप अच्छा करेंगे तो यू हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ बींग अ सक्सेस.
तो ये था श्वेता का परिवार और इनके सहयोग से ही, इनके सपोर्ट से ही आज श्वेता इस मकाम तक पहुंची है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी प्रतिभा है तो आप उसे छुपने नहीं देंगे, दबने नहीं देंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम बढ़ेंगे तो समाज बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। इसी पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार रूबरू में मुलाकात होगी किसी ऐसी ही शख्सियत से। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।